हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश बाली और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे तमाम दोस्तों के बारे में जिन्होंने ना तो यूजीसी नेट पास कर रखी हो, ना उनके पास जेआरएफ अवार्ड लेटर है, ना उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से एमफिल पास कर रखी हो और वो केवल उन्होंने एमए कर रखी हो यानी पीजी कर रखी हो। क्या वो किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर सकते हैं या एमफिल कर सकते हैं, इनके लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों कैसे हो आप सभी, मैं डॉक्टर लोकेश बाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, मैं इस समय दिल्ली में नहीं हूं, मैं अपने गांव आ गया हूं और अभी 4-5 दिन यहां पर रुकने वाला हूं। तो तमाम आगे के वीडियोज आपको यहीं से मिलते रहेंगे जब तक मैं दिल्ली नहीं चला जाता, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों अक्सर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर आपने जेआरएफ के ऊपर इतनी सारी वीडियोज बना दी हैं कि नेट वालों के ऊपर, जेआरएफ वालों के ऊपर, कुछ हमारे लिए भी बनाइए। तो मैं आज ऐसे तमाम दोस्तों के बारे में वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने केवल नेट, केवल एमए पास कर रखा है, उनके पास ना नेट की डिग्री है, ना उन्होंने जेआरएफ पास कर रखा है और ना ही किसी विश्वविद्यालय से उन्होंने पूर्व में एमफिल पास किया हुआ है। तो क्या वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है या नहीं, या क्या तमाम वो हमारे देश की बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में वो पीएचडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ऐसे तमाम सवाल मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एमफिल नहीं किया हो, पीएचडी नेट नहीं पास कर रखी हो, जेआरएफ नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी आपके लिए ये होनी चाहिए, अगर आप एसटी और एससी से संबंधित हैं, आपको केवल एमए में मिनिमम 50% की जरूरत है। इसके अलावा आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 55% का है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में, चाहे वो आपने एमए किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, चाहे आपने एमकॉम किया हो, ऐसे तमाम कोई भी कोर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसमें अगर आपने 55% पास मार्किंग आपकी है, तो आप भारत देश की किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी और एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका सीधा प्रोसेस ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में जब भी ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म निकलें, तो आपको उसमें फॉर्म डालना है। और आपको अधिक जानकारी कहाँ मिलेगी कि कैसे यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते हैं, कब कब निकलते हैं, उसके लिए मैं ऐसे वीडियोज बनाता रहता हूँ। एक श्रृंखला मैंने बना रखी है जिसमें मैं तमाम यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कब कब वैकेंसी निकल रही है, कब उसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, क्या उनका सिलेबस है, तमाम तरह की जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। और इसके अलावा JNU, DU, MHU, BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो फिर आगे बढ़ता हूं, अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि आपको सिर्फ 55% के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है फॉर्म को, और वहां का जो एंट्रेंस डेट मिलेगी आपको, उस एंट्रेंस में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी और एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी का वाइवा यानी इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी जो कमेटी वहां की लेगी। अगर आप इन सब चीजों में उत्तीर्ण होते हो तो आपको बिना नेट, बिना जेआरएफ, बिना एमफिल के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको एमफिल और पीएचडी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। किसी प्रकार की नेट और जेआरएफ की जरूरत नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपके जहन में जो सवाल थे वो कहीं न कहीं शांत हुए होंगे। और भी तमाम जानकारी, तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके मन में हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ हायर स्टडी से संबंधित, और जो लोग एमए कर रहे हैं इस समय उनके लिए भी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ कि एमए की कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी आने वाली है, जैसे DU होगी, JNU होगी, BHU होगी, MHU होगी, ऐसे तमाम जो हमारे स्टेटों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके बारे में भी जल्द। बहुत से मेरे पास बहुत शिकायत आती है एक्चुअली कि आप एमए के ऊपर नहीं बनाते हो, तो उसके लिए मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है और मैं आपको इंटरेस्टिंग न्यूज और आपको एजुकेशन से संबंधित अपने पीएचडी के अनुभव से, अपने टीचिंग के अनुभव से, अपने शिक्षण के अनुभव से आपको अवगत कराता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलता हूं जल्द, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।